हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये देखिए, मैं बना रही हूँ यहाँ पे बैंगन का भरता और टमाटर का और साथ में आग वाला लिट्टी। तो पहले तो बैंगन को आप इस तरह से चीरा लगा लीजिए और चेक कर लीजिए कि कीड़े वगैरह तो नहीं है बैंगन के अंदर। और इस तरह से गैस पे इसे लो फ्लेम पे भून लेना है, जो काफ़ी अच्छा महक आने लगता है जब भूनने लगेगा। तो देखिए, बैंगन को टमाटर को इस तरह से आप लो फ्लेम पे भून लीजिए, फिर इसे ठंडा करके इसका छिलका निकाल लेना है। तो देखिए, ठंडा भी हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, सारे का छिलका ऊपर से निकाल दूँगी। और साथ में बैंगन का भी छिलका इस तरह से आप निकाल लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे लूँगी कटी हुई प्याज, कटी हुई लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च और साथ में नमक, और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। तो थोड़ा बहुत ही गर्म है, तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से मिलाते जाऊँगी, या तो आप गिलास भी ले सकते हैं। और जो पाव भाजी का जो मैसर होता है, उससे भी इस तरह से मिला सकते हैं। तो देखिए, बनकर तैयार हो गया। ऊपर से डाल दूँगी सरसों का तेल काफ़ी सारा, धनिया का पत्ता। तो बैंगन का भरता तो बनकर तैयार हो गया। फिर मैं अभी बनाऊंगी सत्तू। तो ये चने का सत्तू है, तो सत्तू को मैं पहले एक बाउल में निकाल लूँगी यहाँ पे। फिर इसमें डालूँगी कटी हुई प्याज, कटी हुई लहसुन, अदरक और साथ में हरी मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसलिए ऐड कर रही हूँ, क्या होता है कि थोड़ा पीला पीला नहीं दिखता है, मतलब हल्का फीका कलर लगता है। तो मैं यहाँ पर हल्दी भी लूँगी सिर्फ कलर के लिए। मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन, नमक और आम का अचार। और सरसों का तेल। तो लिट्टी वगैरह सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है, तो सरसों का तेल ही यूज कीजिएगा। और थोड़ा सा अपने हाथों से इस तरह से मिला लेना है, क्योंकि जो गुठली होता है आम का, उसे पहले मिलाने के बाद निकाल लेना, नहीं तो क्या होगा कि लिट्टी वगैरह फटने लगेगा। तो सारी गुठली को मैं मिलाने के बाद निकाल दूंगी, फिर लास्ट में मिला दूंगी धनिया का पत्ता। तो अब मैं चलती हूँ आटा गूंथने। तो यहाँ पे आटा लूँगी, उसमें डालूँगी अजवाइन, मंगरैल, नमक और रिफाइंड ऑयल। जैसे हम लोग कोई भी पूरी पराठा बनाते हैं तो मोइन डालते ही हैं, उस तरह से मोइन भी डाल देना है, मतलब रिफाइंड ऑयल डाल देना है। और थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, और गुनगुने पानी में मैं थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ, ताकि अच्छा रहता है लिट्टी वगैरह अगर आप हींग डाल कर बनाते हैं तो। देखिए, आटा भी 10 मिनट हो गया सेट हुए। तो इस तरह से मैं इसे बीच में पैसेस करते हुए यहाँ पर सत्तू का मसाला भर दूंगी। और इसे गोल गोल इस तरह से कवर करते हुए मिला लेना है। तो अब मैं इसे पकाऊंगी। तो इसी पे जहां पे मैं बैंगन और टमाटर भूनी थी, वहीं पे लिट्टी को रख देना है। तो इसे लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी, नहीं तो क्या होगा कि अंदर से तो ये कच्चा ही रह जाएगा, ऊपर से पक जाएगा। तो लो फ्लेम कर दूंगी। एक बड़ा सा बर्तन लूंगी जिससे इसे मैं ढक दूंगी, ताकि अच्छी तरह से पक जाए लिट्टी। तो होता क्या है कि हम लोग शहर में रहते हैं, तो हमें गोइठा या तो लकड़ी का आग वगैरह नहीं मिल पाता है, और मन करता है कभी कभी लिट्टी चोखा खाने का। तो आप इस तरह से भी घर में बना सकते हैं थोड़ा बहुत। और इस तरह से घी ले लीजिए, घी में पूरा अच्छी तरह से लपेट लीजिए। अगर आप ज़्यादा घी खाते हैं तो आप अलग से घी भी ले सकते हैं, या तो आप इस तरह से लगा के भी खा सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लगता है, गाँव की याद आ जाती है अगर आप इस तरह से बना लेते हैं तो। तो अगर आप गांव में नहीं रहते, शहर में रहते हैं, तो आप इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।